एक बार मैं अपने लोग के घर से देखा कि एक मुर्दा जा रहा है, तो अपनी माता जी को कहा कि ये कहाँ जा रहा है। उसने कहा राम जी के घर जा रहा है। तो मेरा भी दिल करता है मैं भगवान के पास जाऊँ, तो मैं सपने में भी भगवान को देखती थी। ये याद नहीं किस रूप में देखती थी, लेकिन सपनों में देखती थी किस दिन मैं भगवान घर जाऊंगी। तो अचानक ही चाचा जी ने कहा चलो बाबा ने बोर्डिंग खोला है, तो मैं गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सचमुच भगवान घर पहुंच गई। तो भक्ति के संस्कार जो थे ना वो मेरे पूरे हो गए, दिल में खुशी हो गई। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको दो पिता है। दो पिता की बात मेरे को अंदर में इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा बाबा ने तो ये कह दिया तो तुम्हारा अविनाशी पिता जन्म जन्म का साथी वो है, लोकक बाप तो तुम्हारे विनाशी है। तो सच भाई लोकक बाप शरीर छोड़ गया, तो हमारे दिल के अंदर और ही पक्की बात हो गई कि हमारा अविनाशी पिता तो वो परमात्मा अमर है, तो मैं क्यों ना उसके साथ ही साथ चल पड़ूँ। तो ये इसी मनन चिंतन में, और एक बाबा ने जो आत्मा का पाठ पक्का कराया, वो मैं बहुत एकांत में बैठती थी, एकांत में इतना बैठती थी, मैं ये सोचती थी कि मुझे कोई एकांत से उठावे नहीं, और मैं बैठ करके मनन चिंतन लिखती थी कापियों पर। तो ये जो अंदर एकदम से पक्का हो गया और अनुभव हो गया कि फीलिंग आ गई तो सचमुच मैं हूँ ही आत्मा। तो ये जो आत्मा बनेगा, जो नेचुरल रूप बन गया, तो उसमें अंदर खुशी पैदा, एक नया जीवन बन गया, एक भगवान मिल गया, एक अपनी बात भी मिल गई। तो दोनों बात जब कंटिन्यू हो गई तो मैं बहुत खुशी मिल गई। तो बोर्डिंग में फिर बाबा ने हमको पढ़ाया, तो बाबा ने एक पहली हमको सिखला दी थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया तो छोटी छोटी बच्चियाँ बाबा ने बोर्डिंग खोला, हम जाकर उनसे बात करें। तो जब भी क्लास में बड़े बड़े डॉक्टर, जज, वकील, इंजीनियर आते थे और हम लोगों को देखते थे, तो बाबा ने एक पहली सिखला दी, तो कोई भी बड़ा आदमी तुम्हारे आगे आए तो एक पर्सनल पूछना, तो आपका नाम क्या है, आप कौन हो, नाम ले आप कौन हो। तो जब कौन, तो कहेंगे मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। तो हम इस पल इसको कहते हैं नहीं नहीं, आप इंजीनियर वकील डॉक्टर नहीं हो, तो वो वायरल हो जाते थे, ये कौन सा प्रश्न छोटी सी बच्ची पूछती है। हम उत्तर तो राइट दे रहे हैं, हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, लेकिन हम कहते हैं आप कौन हो, तो उसका प्रश्न फिर भी कौन, तो हम कहते हैं आप एक आत्मा। अब आत्मा कैसे हो भाई, आप इसे शरीर को कहते हो, मेरा शरीर है, मेरे हाथ है, मेरे पांव है, पूरी पहेली उसे रिपीट करके सुनाते थे। अब आप बताओ आपको इस कर्म इंद्रियों के, जिसको आप मेरा कहा, तो मेरा कहने वाला आप कौन, मेरा कहने वाला तो मैं अलग हूँ ना, मेरा अलग है नहीं, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, जिसको मेरा कहा वो अलग, मैं अलग। तो ये पहेली सुन करके उनको इतना आश्चर्य लगता था, ये बाबा ने इन छोटी छोटी बच्चियों को कैसी पहेली से कहे जो हमको भी हरा देती है, यानी हम है तो इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन हमको कहती आप आत्मा। तो ये पहेली पर भी लोगों को बार बार बहुत आवाज फैला, तो छोटी छोटी बच्चियों को शिक्षा जो मिली है बड़ी गहरी मिली है, प्रश्न बहुत अच्छा पूछती है। दूसरा बाबा एक बार के टू क्लास मिला, सफेद टू होता है ना, तो बाबा ने कहा ये टू क्या है, तो टू तो बहुत सफ़ेद चिट्टा होता है, तो बाबा इसकी शिक्षा दे दे, कहते चलो बाहर से ये टू बहुत सफ़ेद चिट्टा है, लेकिन अंदर से ये कड़वा भी है, इस कारण तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, चाहे चेहरा तुम्हारा कितना मीठा तो आपको बनना ही है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा आके दिखलाते थे, कभी चुंबक आके दिखलाते थे, भाई सुई चुंबक को कैसे खींचती है, दूर रख के चुंबक और सुई दूर रख के दिखलाते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा हमको बचपन में दिखाते थे, तो हमारी बुद्धि चलती रहती थी, बाबा हमको क्या क्या सिखाते हैं। ऐसे करते करते फिर बाबा ने एक बार मेरे से पर्षद पूछा, मेरे वार बड़े घुंघरू वार थे बहुत, तो बाबा एक बार मेरी परीक्षा ली, कहा बच्ची तो मैं तुमको किसी उसमें भेजूँ सिनेमा हॉल में और तुमको एक्टर बनाया जाए, तो एक्टर तुम्हारे वाल इतने हैं तुमको बहुत पे मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे वाल बहुत घुंघरू वाल है, तो मैं तुमको भेजूंगी, तुमको पे बहुत बड़ी मिलेगी, तुम जाएंगी। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं भगवान को छोड़ के कहाँ जाऊंगी। तो मैं यस, फिर बाबा साथ साथ कह बच्ची तू राज ऋषि पुत्री हो, ऋषियों के जो वाल होते हैं खुले भी होते हैं, और जब जाओ तो तपस्या में बैठो, तुम तपस्या में, क्योंकि बाबा ने नाम ले लिया ऋषि पुत्री, तो इस कारण हम तपस्या भी बहुत करते थे। दूसरा बार बाबा ने प्रश्न पूछा मेरे से
कि देखो एलिजाबेथ तक बैठी है, बहुत वहाँ धन है इंग्लैंड में, अगर तुम बच्ची को मैं इंग्लैंड में भेज दूँ एलिजाबेथ के तख्त पर बिठाऊं तो वो बहुत धन माल मिलकर तो बहुत मिलेगा, जाएंगी। मैंने कहा बाबा मैं भगवान को छोड़कर उस धन की बिचारी कहाँ जाऊंगी। ये बाप वाले दो तीन प्रश्न मेरे से पूछे जो मेरे को याद है बचपन से, बड़ी छा लेती थी बाप। देखो ना बच्ची चले मन होती है धन के पीछे या सिनेमा में जाने के लिए, इसको पे मिलेंगी तो जा सकती है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे तो हमारा मन जो है बहुत मजबूत होता था। हम कहते मैं जिस भगवान को कहती थी घर जाऊं उसके पास में पहुंच गया, मैं कहां जाऊंगी। ऐसे करते करते पढ़ाई भी बाबा ने, अरे बाबा ने पढ़ाई पढ़ाई अल्फाबेटिकली सारी है सिंधी भाषा ए ब ब, लेकिन उसकी बाबा ने सारा ज्ञान के शब्द सिखला दिए। तो ज्ञान के शब्द अल्फ वाला बे बुरी बे पेपर लेते त्रिलोकी जितने भी शब्द उसके अंदर सिंधी में थे अल्फाबेटिकली सारी ज्ञान के सिखा दिए। तो हमारी बुद्धि सारी ज्ञान में चली गई। बाल के किताब तो हमने जैसे पढ़े ही नहीं, क्योंकि चार छः सिंधी पढ़ा, इंग्लिश भी तीन पढ़े हुए थे, फिर भी बाबा ने इंग्लिश इतनी सिखलाई जो हम अपना लिटरेचर पढ़ लेते थे, क्योंकि लिटरेचर बहुत सिंपल निकलता था। बाबा कहते थे पिछाड़ी में तुम्हारे पास ऐसे लिटरेचर वाले आएंगे, अच्छे अच्छे गीत गाने वाले आएंगे जो बात न पूछो। तो इंग्लिश जितनी भी हमारी निकलती थी वो इंग्लिश हम पढ़ लेते थे। एक आया था ये कौन मुसलमान, तो बाबा जब मुरली बजाते उसकी ट्रांसलेशन करते थे, वो डिस्कोर्स हमको क्लास में पढ़ाया जाता था, उनमें से इंग्लिश इंग्लिश शब्द जो थोड़े थोड़े कठिन होते थे वो हमसे लिखाया जाता था, कहीं याद करके आओ तो आपको इंग्लिश शब्द जो है आपको याद। बाकी बाहर की डिक्शनरी वगैरह कोई ऐसी किताब तो हमने पढ़े ही नहीं, ऐसे इंग्लिश में हम सारी सिंपल चीज़ें पढ़ लेते। इस प्रकार से बाबा ने हमको पढ़ाया। पर एक बात जब हम ये अबू में आए, आपने प्रश्न पूछा पहले भी, तो आपको अबू में आने में क्या परीक्षा आई थी, स्त्री वर्ग की परीक्षा बहुत भारी आई। जब हम पाकिस्तान छोड़ा, बाबा हमको कह रहे बच्चे वारा तुमको हमेशा खुले छोड़ने हैं, क्योंकि तुम दूरपति हो, जब तक तुम्हें स्वराज नहीं मिले तब तक तुम्हारे वार खुले रहने चाहिए। दूसरा बात बाबा कहते लिटरेचर जो छपाना है वो भी लाल स्याही से, क्यों खून की नदियाँ बहने वाली है और कोई स्याही से लिटरेचर नहीं छपाना है, तो लाल स्याही से छपाते थे। तो हम जब इस्तीबल में आए तो उसी टाइम हमारी परीक्षा हो गई। आपको पता है तो यूनियन जो सामान उठाने वाले हैं उन्होंने कहा हम तुम्हारा सामान, आप हमको इतना पैसा दो तब हम तुम्हारा सामान उठाएंगे। तो हमने कहा ना हम इतना देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने माना नहीं, तो स्टीमर का टाइम हो गया। फिर बाबा ने कहा चलो तुम हो रूहानी मिलिट्री, मैंने तुम बच्चों को रूहानी मिलिट्री करके बनाया है, मैं सीटी बजाता हूँ सबके सब स्टीमर से उतरा। तो हम सबके वार खुले थे उस टाइम, एड्रेस हमारी फ्राक पैजामा थी। तो जैसे सीटी बजी वैसे स्टीमर से सीढ़ी से नीचे उतर उतर के हम प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो लोगों ने देखा यूनियन ने, अरे ये तो बड़ा भारी लश्कर है, ये तो सारा सामान उठा के ले जाएंगे। तो जैसे मिलिट्री होते हैं ना एक एक पेटी के पीछे कुंडे होते हैं, दो दो बहनों ने कुंडे से पकड़ के सामान उठाना शुरू कर दिया। तो उनको शर्म आ गई, अरे ये क्या, यहाँ तो लश्कर बहुत बड़ा है, ये तो एकदम से सारा सामान उठा के ले जाएंगे। फिर उन्होंने आपस में मिल करके कहा चलो आपका सामान उठाएंगे। फिर स्टीमर का जो कैप्टन था उसे बाबा ने बात, बाबा मम्मा हमारे साथ थे, बातचीत की, उन्होंने दो तीन घंटा स्टीमर रोक दिया टाइम से, भाई इनका सामान उठ जाए फिर ये चलेंगे। तो ये जो सीन सीन है, और सामने मुसलमान लोग लाइन में खड़े थे, अरे जैसे खुदा के बंदे हमारे देश को छोड़ के जा रहे। तो उस टाइम हमारा गीत बज रहा था, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत से दिल से निकले। तो गीत ऐसा बज रहा था मुसलमानों को रोना ही रोना रोना ही रोना, पर चल पड़े हम। फिर तो किनारा कहना ही था स्टीमर को, स्टीमर किनारा करते करते हम चल बसे। ऐसी ऐसी हमारी परीक्षा आई। फिर हम जब आए यहाँ अबू पहाड़ पर, तो पहाड़ पर आते भी हमारी परीक्षा तो वहाँ भी हुई। परीक्षा तो बाबा कहते हैं बहुत प्रकार की होती है, लेकिन बाबा हमारे संग था, हमें महसूस नहीं हुआ कभी ये क्या हम भगवान के साथ परीक्षा संशय नहीं कभी उठा। ऐसा लगा हम नेचुरल बाबा के साथ बैठे हैं, और ऐसे सोचते हम कहाँ जा थोड़ी सकते हैं बाबा को छोड़ के, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि बाबा जो हमको हिंदी वगैरह सिखाई है इस सेवा के लिए तो आपको बैठ जाना पड़ेगा, बैठ जाना। तो एक बार मैंने बाबा को कहा बाबा मैं सेवा पर जाऊँगी। बाबा ने कहा बच्ची तू जाएंगी? मैं कहा जरूर जाऊंगी। तो बाबा ने मेरे को लिख के दिया स्कूलों में बड़े बड़े कॉलेजों में तुम्हें भाषण करने जाना है। तो एक बार मुझे याद है कि दिल्ली में बहुत भारी स्टेज थी और लाखों लोग नीचे बैठे थे, सीन मेरे के सामने आती है, तो लाखों के सामने बाबा ने हमको इतनी ताकत दी जो मैं बड़ा भारी भाषण किया।
फिर हम बाबा के पास आए, बाबा ने कहा बच्ची तुमने क्या सेवा की। फिर मैंने बताया तो बाबा ऐसे ऐसे बहुत हम बहुत ऊंची जैसी पहाड़ी पर ऐसी पहाड़ी पर बैठे हैं, लोग बिल्कुल नीचे बैठे हुए थे उस टाइम। बहुत हम थोड़ी बहनें सेवा पर निकली थी, ज़्यादा नहीं बहनें निकली हुई थी। अच्छा फिर मतलब भाषण शुरू किया, मुख भी खुल गया और ड्रेस अब हमारी बदल गई, पहले वोल्ट पे साड़ी की ड्रेस हो गई। फिर धीरे धीरे हम आपको निमत यहाँ दिल्ली में, दिल्ली से मीरठ, मीरठ से हापुड़, हापुड़ से सिकंदराबाद, हर शहर के अंदर जब मैं हर साल के बाद बाबा के पास जाती थी, बाबा वरदान देता था बच्ची तुमको अब दूसरे शहर में जाना है, अब दूसरे शहर में जाना है। तो हम फिर जाते थे दिल्ली से पहले हापुड़ आए, हापुड़ से मीरठ आए, मीरठ से सिकंदराबाद आए, ऐसे हर साल हमारे शहर। फिर मैं चली जाती थी, पीछे हमारी बहनें और बैठ जाती थी, आगे चलते चलते फिर अमृतसर तक पहुंच गए। बाकी हमारी परीक्षाएं बहुत आई है, परीक्षा में वर्णन करूँ तो बहुत लंबी जो हिस्ट्री है। इलाहाबाद में बच्चों का क्लास हम कराते थे तो एक माता थी, पति से एंटी थी, तो उसने कहा बच्चा जो है ना हमने भेजा था इनके पास, इन्होंने कहा छिपा दिया। तो हमने कहा खाने के लिए दुनिया के पास है नहीं, हम बच्चों को कहाँ रखेंगे। तो उस माता ने किसी सदबिंद में बच्चे को छिपा दिया, उसका हंगामा 3-4 दिन चला। आखिर वो आए हमारे पास हंगामा करने, हम 3 दिन के लिए अगर आप हमको बच्चा नहीं देंगे तो आपको हम मारेंगे, लोहे की यू ले आएंगे, ले भी आए थे सचमुच। तो मैं योग में बैठ गई और फिर सभी बैठ गए। मैंने कहते आप ध्यान में जाते हैं भगवान से पूछ के आओ तो बच्चा कहाँ है। मैंने कहा मेरे को भगवान ने कहा तुम्हारे सनबंदियों के पास ही बच्चा है, ऐसे ही मैंने कह दिया। तो मैंने कहा तुम्हारे सनबंद बच्चे हैं और हम पुलिस को तुम्हारे घरों में भेजते हैं। तो जिन्होंने छिपाया था वो भी बैठे हुए थे सभा में, वो डर गए भाई पुलिस वाले हमारे घर में छापा मारेंगे, हम तो पकड़े जाएंगे जेल में। मगर जिसने छिपाया था वो भी उठ गया। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद फिर हम योग में, हम योग लगाते थे ऐसे मौके जब विघ्न पड़ता था ना, बाबा मदद करेगा क्यों इतना असुर होगा विघ्न पड़ रहा है। बस 2 दिन के बाद वो आया, उसका पिताजी कहते बहन जी बच्चा मिल गया है। मैं बच्चा कहाँ था, कहते रिक्शा में बैठ के हमारे घर पर। मैं तुमने पूछा रिक्शा वाले के तो कहाँ से आया कहाँ गया था, पीछे पता चला उसकी औरत थी पति से एंटी ना, तो अपने किसी सन में छुपा दिया, उनको से भेज दिया। ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे साथ बहुत बीते, पर हम सत्य पर खड़े रहते थे। हम इस बात में नहीं डरते थे हमको मारेंगे क्या होगा, ये हमारे मन में कभी संकल्प भी नहीं आता था। हम कहते बाबा की स्थापना है, चलते चलो चलते चलो, बाबा ने तो बता दिया ना काम होगा विघ्न पड़ेगा। सर्व आत्माओं को बाप का संदेश देना तो हमें आदेश मिला हुआ है उस शिव बाबा का, तो हर एक आत्मा की ज्योति जगाओ, हर एक जो सोए पड़े है अज्ञान अंधकार में उनको जगाने के लिए उनको एक ही संदेश दो कि भगवान आया हुआ भारत में और भारत में आकर अपने स्थापना का कार्य कर रहा है। तो विश्व का पिता लेकिन विश्व की आत्मा को जगाने आया है, लेकिन विशेष भारत देश में जन्म लिया है, वो हम बच्चों को ऐसा आदेश दे रहा है, ऐसा सर्व आत्मा को हमारे तरफ से संदेश दो। तो अब जागने का टाइम है, समय बहुत कम है, विनाश सामने खड़ा है, कलयुग जा रहा है, सत्य दुनिया आ रही है। ऐसी सत्य दुनिया में चलने के लिए राज्यों की शिक्षा को धारण करो, सच्चा योगी होली भी योगी जीवन बनाओ। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। ओम शांति। मैं तो जब छोटी थी 6 साल की थी तो उस समय पहले ओम मंडली में सत्संग चलता था, तो वहाँ हमारी माँ भी जाती थी, तो माँ के पीछे जैसे बच्चा जाता है ऐसे मैं चली जाती थी। और तो वहाँ मुझे बाबा बहुत अच्छा लगता था, तो मैं बाबा के बाजू में ही जाके बैठी, छोटी थी तो मैं निकल जाती थी, तो फिर वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर तो घर में सत्संग करके फिर घर भी चले आते थे। फिर कुछ समय के बाद बाबा ने छोटे बच्चों का बोर्डिंग खोला, तो उस बोर्डिंग में हम बैठी, तो वहाँ पर तो हमको 5 दादियाँ मिली हमारी रूहानी परवरिश के लिए, और 5 माताएं मिली जो हमारी स्थूल परवरिश करती थी, हमको स्नान पानी वगैरह सब कराती थी, तो दादियाँ हमको पढ़ाती थी।
आपने फोटो में देखा होगा हम स्कूल में बैठे हैं, चंद्रमणि दादी उतर रही है और पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर बाबा हम बच्चों के लिए छोटे छोटे लेसन बनाते थे और छोटे छोटे डायलॉग बनाते थे, भूला भाई और ब्रह्मा कुमारी, भूला भाई प्रश्न पूछता है और ब्रह्मा कुमारी जवाब देती है, तो वो हम लेसन डायलॉग सब याद करते थे। फिर कभी कभी बाबा आके पूछता था कि फलाना ये पूछे तो तुम क्या जवाब देगी, तो हमको आता था बताने को क्योंकि हम पका कर लेते थे। फिर ऐसे ही हम थोड़े बड़े हुए तो फिर सब कुछ बाबा ने कराया, हम कसरत भी करते थे तो आसन भी लगाते थे, तो फिर शाम को चले भी जाते, घूमने भी जाते थे। बाबा ने जैसे बोर्डिंग लाइफ में हमको शाम को इंडोर गेम्स खेलते थे ऐसे करते। तो एक दिन हम जब घूमने गए तो घूम के आए तो हमारे गेट के आगे मोटे मोटे दो आदमी सोए हुए थे और हमको अंदर जाने नहीं दिया और हम सब बाहर खड़े हो गए और एंट्री पार्टी साड़ी लाइन में बुढ़े बुढ़े खड़े थे और हम बच्चे सामने खड़े थे और हम तो अपने ड्रेस में थे, तो वो हमारी ड्रेस बाबा ने बनाई थी जो, तो स्कर्ट ब्लाउज और स्कर्ट पर ओम एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था और मकान पर ओम निवास, उसका नाम बोर्डिंग का बाबा ने ओम निवास नाम रखा था, तो मकान पर रात को बल्बों का ओम जलता, तो जैसे कि सारे शहर में हमारी बिल्डिंग प्रख्यात थी। तो जब हम बाहर खड़े रहे तो वो एंटी पार्टी जो है वो सामने देखते रहे, तो हमको हमारे पास आए, ये खाओ ये खाओ बैठ जाओ ऐसे, हमको उस समय ऐसा नशा था कि हम तो बाबा के बच्चे हैं और हम खड़े ही रहे, हम न बैठे न उनका कुछ खाया। आखिर कोई आए बड़े लोग जिन्होंने कहा, देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे खड़े हैं और ये क्या इनका कोई है नहीं क्या, उन्होंने रिपोर्ट किया और फिर वो बड़े बड़े लोग वो आए जो जो शहर के बड़े थे वो आए और उन्हों को भगाया और हमको अंदर जाने दिया। ऐसे छोटे पन ने ये भी अनुभव किया और फिर जब हम वहाँ से कराची, वहाँ जगरे बहुत चलने लगे तो फिर बाबा कराची में आए, तो कराची में फिर हम ओम नवास में बाबा के साथ रहते थे। फिर थोड़े समय के बाद वहाँ उनके बाद फिर वहाँ भी थोड़ा वहाँ का हैदराबाद का सर कराची में भी आने लगा। फिर हम मम्मा के साथ राधा भवन में रहते थे और ओम नवासी में बाबा के साथ बाबा के संबंधी ही रहते थे। फिर बाबा वहाँ से बालकनी से इकट्ठा ही था, बीच में सिर्फ दरवाजा था आने जाने का, तो वो बाबा जब ये वहाँ भी थोड़ा असर आया तो उस दरवाजे को भी बंद करके गए, सील करके गए कि अंदर नहीं जा सकते, तो बाबा बालकनी से मुरली चलाते थे और हम माइक्रोफोन में मम्मा के साथ मुरली सुनते थे, ऐसे हमारा वहाँ चला। तो बाबा से सबको जैसे कि ऐसी वासना आती थी कि ये, मैं भी समझती थी कि ये जैसे मेरे लोके के बाप भी मेरे यही है और बाबा में इतने आकर्षण थी जो सब जैसे कि गोपियाँ बन गई और बाबा को कभी कृष्ण के रूप में देखती थी तो कभी बाप के रूप में, कहीं प्रकार में कभी फिर बाप को बच्चे के रूप में देखती थी, ऐसे वैरायटी सभी माताओं को बहनों को साक्षात्कार होने लगे। यूं तो मेरे को साक्षात्कार नहीं हुआ परंतु औरों से हम देखते थे, परंतु फिर जब हम थोड़े और बड़े हुए तो फिर हम और पढ़ते समझते गए, उनसे स्कूल में सब हमको सिखाया जाता था, तो ऐसे बाबा
बाबा का भी मेरे में विश्वास था और मेरा भी बाबा से बहुत प्यार था, लगन थी। ब्रह्मा बाबा निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। हम बचपन से 6 वर्ष के आयु से बाबा ने हम बच्चों को एक बोर्डिंग जिसका नाम ओम नास रखा था वहाँ पर हम आए और हमारे लौकिक में चाचा और चाची जी ने हमें बताया कि एक बोर्डिंग खुला है उसी में आपको रहना है। तो हमें सुनने से ही बड़ी खुशी हुई और हम अपने भी खुशी से और माँ बाप के खुशी से ही हम वहाँ पर आए और हम 6 बहनें ही इकट्ठी वहाँ पर रही। हमें वैसे तो हमारी सारी जो संस्था थी उस रीति से तो हमें बाबा का साथ होते हुए जो भी परीक्षाएं आई उसमें हम बाबा के साथ और हाथ से कोई भी प्रकार की परीक्षा में फेल नहीं हुए, हर बात में हम अपनी स्थिति से पास ही होते रहे। लेकिन हमारा जो बचपन जीवन था माँ बाप के बाबा के साथ रहने का उसी में हमें यही अनुभव हुआ कि हमारी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। बल जन्म तो हमने लौकिक माँ बाप से लिया लेकिन ऐसे ही महसूस हुआ कि वो निमित्त मात्र था लेकिन हमारा पालना पढ़ाई वो शिव बाबा ने अपने ओम नास में ही कराई, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की परीक्षा परिस्थिति आते हुए भी हम सहज ही पार कर सके। और दूसरी बात, हमारी पालना भी पवित्र धन से पवित्र आत्मों द्वारा होने कारण हमारे अपने जो संस्कार थे वो भी पवित्र ही रहे, जिसमें किसी भी प्रकार से हमें और जो आश्री संस्कार है उसका वार नहीं हुआ। और हमारा ऐसा ही रहा कि जैसे आज के दुनिया में हर प्रकार की चीज़ें भी है चाहे व्यक्तियां हैं लेकिन बचपन से जो पवित्र संस्कार थे उस अनुसार हमारे इस दुनिया के कोई भी वातावरण व व्यक्ति व वैभव किस सभी तरफ आकर्षित नहीं। तो ये एक अपना अनुभव जो है वो ही आज दिन तक हमें सेवा में भी मदद कर रहा है। और हमें बाबा ने बड़े अच्छे पढ़ाई भी रूहानी पढ़ाई के साथ जिस्मानी पढ़ाई भी कराई, जिसमें हम कोई स्कूल व स्कूल के टीचर्स द्वारा पढ़ाई नहीं की लेकिन हमारे को बाबा ने ही अपने ही ज्ञान के पाठ लिखते हुए और उसी को ही फिर जिस्मानी पढ़ाई रूप में हिंदी इंग्लिश आदि सिखाया। और साथ साथ गीतों द्वारा भी बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के गीत जो बाबा ने बनाए उस गीतों द्वारा भी हमें अपने जीवन में कैसे सदा खुशी में रहो उस रीत से भी सिखाया। और ऐसे ही अनुभव हुआ कि जैसे कि हम इस दुनिया से जो आज की दुनिया है उससे कोई और दुनिया में बैठे, अपनी दुनिया अपना परिवार अपना बाप अपनेपन की ही बड़ी अनुभूति हुई। तो ये अनुभूति बाबा ने हमको 14 वर्ष के बच्ची में भी कराई, जिसमें योग अभ्यास करना कभी सारी रात्रि रात्रि योग अभ्यास करना कभी दिन के भी 3-3 दिन का योग का अभ्यास कराना, तो योग अभ्यास कराना पढ़ाई कराना और हर कार्य भी हम अपने हाथों से करें जो कि सारी दिनचर्या में हम अपने शरीर द्वारा भी कार्य करते रहे तो हर कार्य भी सिखलाया। तो 14 वर्ष में हम अपने जीवन को ऐसे ही देखा कि हम इस पुरानी दुनिया में नहीं है
लेकिन हम अपनी ही इस नई दुनिया में और बाप के साथ साथ और अपना ही देवी परिवार के अंदर बैठे हैं। हमारा जब दिल्ली में सेवा पर आना हुआ तो हमें बाबा ने जब भेजा तो उस समय हमको यही वरदान दिया कि बच्चे तुम सेवा पर तो जा रहे हैं तो आपको कोई भी बात आएंगी भी वो भी आपको सहज ही हो जाएगा। तो वो ही सहज का वरदान जो बाबा ने जाते समय दिया हम आज दिन तक भी अपने जीवन में देखते हैं कि उस वरदान से हमें कोई भी प्रकार की परिस्थितियां तो आती है लेकिन कोई भी प्रकार की मुश्किल नहीं हुई, सहज ही सहज पार हो गए।